आज हम इस वीडियो में आपको फैसलाबाद शहर की एक बीफ एंड मटन मार्केट का विजिट करवाएंगे, जो कि पीपल्स मिल नंबर 2 के राजा चौक से जब बोहर चौक की तरफ जाएं तो दोनों चौक के दरमियान 224 वाले मेन रोड पर वाक़िया है। मार्केट की तमाम दुकानों का विजिट करने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। इस मार्केट में मोस्टली बड़े जानवर के गोश्त की दुकानें हैं और कुछ छोटे जानवर के गोश्त की दुकानें भी मौजूद हैं। ये जी हम मौजूद हैं सुल्तान फाइक बीफ एंड मटन शॉप पे, तो आएँ इसका विज़िट करवाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर तेरा नाम की जी? सुल्तान अली। ते कितनी देर तो दुकान चला रहे हैं? 2 माह हो गए। ये हम इस वक्त मौजूद हैं दाता बीफ शॉप पे, और इनका मोस्टली बड़े जानवर के गोश्त का बिजनेस है। इस वक्त मौजूद हैं जी सखी बीफ एंड मटन शॉप पे, इनका भी मोस्टली बीफ यानी बड़े जानवर का काम है, और ये कहते हैं कि कभी बकरा यानी मटन भी कर लेते हैं। सर तेरा नाम की जी? तारक। ते कितनी देर तो दुकान चला रहे हैं? काफी अरसा हो। ये जी हम पहुंचे हैं गौसिया महरिया बीफ शॉप पे। है जी कल वास्ते बन्ने ने? आज जुमेरात है तो ये इन्होंने जुमे के लिए एडवांस ये दो जानवर, माशाल्लाह देखो बहुत ही अच्छे जानवर हैं, इसीलिए इधर लोग ज़्यादा आते हैं कि ये सामने जानवर बांध के लोगों के सामने करते हैं हलाल उनको। ये जी इनका बोर्ड नहीं लगा तो आए इनसे पूछते हैं कि किस नाम से दुकान को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तेरा की नाम है? कासम अली। कासम अली, तो ये तुसी मशहूर भी कासम कसाई दे नाम तो? अब मौजूद हैं जी हम अब्दुल्ला अकरम बीफ शॉप पे। तो आएँ इसका मुकम्मल विज़िट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तेरा नाम की जी? मेरा नाम जी राणा सर। ते ये कितनी देर तो दुकान चला रहे जी? ये अपनी 16-17 साल हो गए दुकान में, पहले मेरे चाचू ले थे। अच्छा, तो मैं होना। ठीक है। इस रोड तो सारे तो पुरानी दुकान अपनी है। जबरदस्त। तो इस रोड का कोई दुकान नहीं होती जो नहीं अपनी। ठीक है। ये जी इन्होंने मटन लटका हुआ है तो इनका दुकान का नाम नहीं है, इनसे खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नाम की जी? मोहम्मद इमरान। अच्छा ते इमरान दे नाम तो तुम जानते ने? नहीं जी, गनी मटन शॉप। हां गनी मटन शॉप तो है, जानते ने? अभी बोर्ड नहीं बनवाया। चलो सर, तो सिर्फ मटन का काम करते हैं जी। इस वक्त मौजूद हैं जी हम हक बाहू बीफ एंड मटन शॉप पर।
ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਯਾਸਰ ਅਲੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜੁਮੇ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਸੇਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਦੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ये जी हम मौजूद हैं अब हक बाहू बीफ शॉप पर। ये जी जुमे रात है, मैं लेट आया हूँ तो इनके पास ये क्या जी कीमा बना रहे? सर तुहाडा नाम की जी? तारक। तारक, तुसी कितनी देर तो दुकान नु चला रहे हैं? 4 साल हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं जी गौसिया महरिया बीफ शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर तुहाडा नाम की जी? ते किन्नी देर तो दुकान बीफ दी चला रहे जे? हो गया ना 2 हफ्ते। अच्छा, ते ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਇਸੀ ਲਈ ਇੱਧਰ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਇਹ ਕੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਟ ਲੈ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇ ਖੁਦ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ,